मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपना वीडियो सुबह में स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे पीसने है गेहूँ जो मेरा आटा मेकर है, तो इसमें मैं गेहूँ पीसने वाली हूँ। तो सोचा आज मैं कोई ब्लॉग वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं आपको ये दिखाऊंगी कि आटा मेकर में गेहूँ कैसे पीसे जाते हैं। तो सोचा कि मैं आज आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ, तो इसी टॉपिक पर मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन, मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और फिर लाइक कमेंट करें, वीडियो को फुल वॉच करें, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी आज सबसे। वीडियो को कम से कम आपके पास टाइम ना हो तो 5-6 मिनट ज़रूर देखें, इसके बाद लाइक कमेंट करें। तो बने रहिए वीडियो में, आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि घर पे आटा कैसे पीसा जाता है, वो भी है चक्की से, जो मेरे पास मेरे घर पे जो आटा मेकर है मैं उसी से आपको दिखाऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बने रहिए वीडियो में आगे। और ये देखिए ये है मेरा आटा मेकर, तो मैंने इसे बाहर ला के रखा है क्योंकि मैं अंदर ऑन नहीं कर सकती क्योंकि अंदर पूरा आटा फैल जाता है इसीलिए। तो ये देखिए ये मैं इसका वायर है जो बाहर निकाल के रख दूँगी। और ये जालियाँ, जो इतनी सारी जालियाँ आती है आटा मेकर में, जो आपको अलग अलग तरीके से जो पीसना हो वो आप पीस सकते हैं। और ये जो मेरे साफ करने की है, जो मैं इससे मैं आटा मिला सॉरी मेरी आटा मेकर में साफ करती हूँ। तो ये देखिए, तो मैं ये एक नंबर की जाली से गेहूँ पीसूँगी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, और यहाँ सब मेंशन किया हुआ है कि आप किस जाली में क्या क्या पीस सकते हैं। तो ये देखिए और यहाँ सब लिखा हुआ है, जालियों के नंबर लिखे हैं सारे, और जो अनाज होता है उसके नाम भी लिखे हुए हैं। तो आप वही देखकर भी चेक कर सकते हैं, कोई भी जाली लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगी, तो इस तरह से है अंदर। तो अब मैं जाली फिट कर दूंगी, और ये देखिए इस तरह से आपको जाली लगानी है। और इसके बाद अच्छे से फिट होने हो जाने के बाद आपको, और यहाँ एक स्विच रखी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये बाजरा और गेहूँ दोनों लिखे हुए हैं, तो आपको जो पीसना है उस तरह से आपको ऑन ऑफ करनी होती है, ऊपर नीचे करनी होती है, तो वो आप कर सकते हो। और ये देखिए मैं ये कर लिया मैंने बंद, और जो डिब्बा आता है वो भी मैं अच्छे से फिट करके अब रख दूँगी अंदर। तो इस तरह से साइड में इस तरह से दिया हुआ है जो फिट करना, इसे क्या बोलते हैं पता नहीं, तो इस तरह से मैं फिट कर लूँगी। और ये देखिए अब अंदर से जो डिब्बा आता है तो उसे भी आपको फिट करना होता है, तो इसी तरह से आपको ये जो स्क्रू दिए हुए हैं इसे आपको फिट करना रहता है। तो ये मेरे पता नहीं इसे क्या हुआ है, बार बार नीचे गिर रहा है, अच्छे से ठीक नहीं हो रहा है, तो ये भी मुझे सही करवाना होगा। तो ये मैं डिब्बा रख दूँगी अंदर, और यहाँ भी आपको इस तरह से फिटिंग में रखना है क्योंकि अगर फिट नहीं हुआ तो आटा बाहर भी आ सकता है और पूरा आटा बाहर फैलता है, तो इसे भी आपको अच्छे से फिटिंग में रखना है। ये देखिए इस तरह से फिट कर लेना है। मैं चेक करी बार बार कि कैसे खुला ना रह जाए, और अब कर लेंगे बंद। और यहाँ दिया हुआ एक रोटर भी इस तरह से दिया हुआ फिटिंग के लिए, तो ये भी मैंने फिट कर लिया। तो अब मैं ऊपर से डाल दूँगी गेहूँ, और ये वायर है जो मैं लगा लूँगी। और ये मैं गेहूँ इसमें भर लूँगी सारा। वैसे आपको ये पूरा जो भर के आप एक बार रखेंगे ना, तो इसे कम से कम 4-5 किलो गेहूँ आ जाते हैं, और आधे पौने घंटा लगता है आपको इतने गेहूँ पीसने में, क्योंकि वह शायद पीस जाते हैं, आधा पौना घंटा लगता है। और ये मैंने लगा दिया वायर,
आप ऐसे खुला भी रख के भी ऑन कर सकते हैं, पर मैं बंद कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने बंद कर दिया, अब ऑन कर दूँगी। और ये देखिए इतने गेहूँ मेरे बचे हैं, वैसे सारे मेरे पीस चुके हैं। तो ये देखिए, और ये मैं आपको नीचे से खोल के भी दिखाऊंगी। तो इसी तरह से आपको खोल लेना है। तो ये देखिए आटा मेरा सारा पीस चुका है, और कितना बारीक पीसा हुआ है। वैसे घर पे पीसो और बाहर पीसवा में बहुत फ़र्क होता है, बाहर अच्छे से गेहूँ पीसते ही नहीं है, तो घर पे बहुत अच्छे से पीसा जाता है। और ये सारा काम करने के बाद मैं अब साफ़ करने लग गई थी, तो ठंडी आटा मेकर ठंडा होने के बाद भी आपको साफ करके आपको रख देना है। और डिब्बा ये सारा सब कुछ मैंने धो के रखा था, तो अच्छे से धूप भी लगाई थी मैंने। और साफ़ करने के बाद इस तरह से पूरी तरह अंदर से और बाहर से साफ करके मैं रख दूँगी। और बस यही तक थी मेरी आज की वीडियो। तो कैसी लगी प्लीज़ बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, और नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो कल मिलेंगे फिर ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना। थैंक यू।